अभी तो खाली रानी तैयार हुई है, राजा अभी आएगा। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। कोमल जी, हाँ जी, मेरे पास 8 से 8 आइटम में पराठे हैं, और 7 से 8 में पाव भाजी है, और पुलाव भी है, 6 से 7 आइटम में पंजाबी सब्जी है। सबसे ज्यादा चलने वाली आइटम है राजा रानी पराठा। राजा रानी पराठा, यहाँ तक मैं ZTV सारे गाँव पाव में गई थी, मैंने वहाँ पे उन लोग को यही बना के खिलाया था, राजा रानी पराठा। अब देख सकते हो हिमेश रेशमिया है, कुमार सानू है, शंकर महादेवन है, सब ने खाया है, और ये मेरा है राजा रानी स्पेशल पराठा। अच्छा, हाँ, मुझे तो अभी यहाँ पे 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए? हाँ, 12 साल से मैं इधर ही हूँ। 12 साल पहले मैं क्या बोलूँ मैं आपको, मैं कहीं और जॉब कर रही थी। मैं मतलब किसी और के अभी मैंने काम किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, फिर थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया कि अभी खुद का कुछ करना है, फिर मैंने खुद का कुछ चालू किया। तो आलू आ गया, आलू के बाद आ गया कैबेज, फिर टमाटो, फिर गाजर फंसी बीट, गाजर फंसी बीट बीट, ओके, और हल्का ये आ गया शिमला, शिमला स्वामीनारायण है, यानी कि वो कांदा लहसुन नहीं आएगा, ठीक है। उसके अंदर आ गया ये ढेर सारा पनीर, पनीर, हाँ पनीर तो ढेर सारा आएगा। फिर इसके अंदर ये जो मसाले की बात, खासियत ऐसा है मसाले में कि पंजाब से आते हैं मसाले मेरे, पंजाब से आते हैं, हाँ मेरे फ्रेंड की मम्मी है, वो घर पे बनाती है मसाले, ओके, तो आई थिंक मैं वहाँ से ही लेके आ रही हूँ मसाले। जब भी वो सूरत आता है ना टेस्टर मार्केट, तब मेरे लिए मसाले लेके आता है, वो महीने में 2 बार आता है, तो महीने में 2 बार लेके आएगा हूँ। मैं जैसे जैसे बोलूँ की खत्म हो गया वो लेके आएगा वो। और जैसे नमक तो यहाँ का ही है, वैसे जो मतलब हल्दी है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, पराठे का मसाला, ये पंजाब से ही आते हैं। इससे पंजाबी टेस्ट भी आ जाएगा। हाँ आता है। चलिए, और सब घर के ही मसाले के, समझो ना कि हजीरा मोटो भी नहीं है। हाँ। और आई थिंक गरम मसाला भी नहीं है। वारे वारे। और प्योर है अपना गव का आटा है, मतलब बच्चे बुजुर्ग बड़े आएंगे। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनको खाने में, ठीक है, ठीक है। तो अभी स्वाद अनुसार नमक आ गया, नमक आ गया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, स्पेशल मेरा पराठे का मसाला आ गया। स्पेशल मसाला तो जरूरी है, स्पेशल मसाला तो जरूरी है। ये एक पराठे का मसाला है, कितने एक पराठे का मसाला है, क्योंकि स्वामीनारायण है ना, इतना सारा। हाँ इतना सारा, अभी इसका आधे का पराठा बनेगा और आधे फ्राई होगा, आधा फ्राई होगा आधे का पराठा बनेगा। हाँ। चलिए भाई देखते हैं, देखने के बाद ही पता चलेगा, पता चलेगा आपको तो कैसा ही बन रहा है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट सेलिंग आइटम अगर कहीं की ट्राई करते हैं तो फिर उसका कुछ अलग ही होता है, अलग ही होता है। सूरत वाले पसंद करते हैं ऐसा? सूरत वाले ज्यादातर है ना पनीर चीज ज्यादा ही पसंद करते हैं, ज्यादा पसंद। अभी तो आप देखो, अभी तो कुछ, अभी तो खाली रानी तैयार हुई है, राजा अभी आएगा। हाँ, इसके अभी वो दुल्हन की तैयार भी तैयार हो जाएगी, आप देखना। जोड़ा सजना बाकी है, बाकी है, देखो पराठे की साइज। अभी तो पराठा बन गया था ना, अभी हम इसको बटर में फ्राई करेंगे हल्का हल्का फुल्का, ये ज्यादा नहीं है। अच्छा। हाँ हल्का ऑयल हल्का बटर दोनों मिक्स करके ही करती हूँ, मैं कस्टमर को मतलब खारा ना लगना चाहिए। हाँ थोड़ा ज्यादा ना हो जाए। हाँ तो अभी रानी तैयार हो गई कि अभी तो रानी है, अभी राजा आएगा। हाँ हुई अभी। हाँ हाँ पीला कलर दिख रहा है मेहंदी का, रानी का। रेडी हो चुका है, अभी हम इसका एक प्लेट में निकालेंगे। एक प्लेट में आ गए हैं, अभी तो मसाला बचा हुआ था ना। हाँ? राजा रानी का। हाँ? स्वामीनारायण है। हाँ? अभी इसको हम फ्राई करेंगे। ये भी वापस आएगा इसमें? हाँ हाँ, ये भी आएगा इसके अंदर, इसके अंदर हल्का आएगा ये बटर। डबल धमाका हो गया, डबल धमाका हो गया। ये आ गया मायोनी, आ गया मायो, तभी हम बटर मायोनी दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जनरली पराठा खाते हैं तो पराठे के साथ दही और नॉर्मल चीजें सारी आ जाती है, यहाँ पे अलग से मसाला भी बना रहे, देखते हैं अभी किस तरह से सारी होता है। अच्छे से बाउल में आ गया, फिर हम इसको रानी के साथ कंपेयर करते हैं। अभी हम इसको अच्छे से कट करेंगे, ठीक है। ये कट हो गया,
स्पेशल राजा रानी पराठा का, जो मसाला हमने फ्राई किया था ना, हाँ वो मसाला भी इसके अंदर आएगा। इसके ऊपर ही? हाँ इसके ऊपर। ओके देखो भाई, टॉप सेलिंग आइटम यहाँ की है जो आज हम ट्राई करके आपको बताने वाले हैं कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखने में तो काफी मजेदार लग रहा है। हो गया रेडी? रेडी हो चुका है। अभी मैं सर्व करूंगी चटनी, दही और केचप। जैसा है मेरा नंबर वन पे चल रहा है राजा रानी पराठा, बहुत ज्यादा फेमस है, वैसे ही मेरी चटनी भी फेमस है। अब ट्राई कीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू, वेलकम। क्या प्राइस बताई इसकी? 300 रुपीज। तो भाई ये अपना राजा रानी पराठा रेडी हो चुका है। शायद आपको पराठा ना दिखे, ऊपर चीज ही दिखे, लेकिन इसके नीचे है पराठा। देखो एकदम गर्मा गर्म पराठा है, साथ में इनकी ग्रीन चटनी, वो भी काफी फेमस है ऐसा उन्होंने बताया। उसके साथ केचप और उसके साथ दही, इस तरह से सर्व किया जाता है। प्राइस है इसकी 300 रुपए। देखो भाई गर्मा गर्म पराठा, आपको मतलब ऐसे पिज्जा का कोई आप अलग स्वरूप देखे ना, विथ आलू का मसाला और सब, तो उसका वजन आता है पराठा। तो देखो भाई इसके अंदर भी स्टफिंग है, इसके ऊपर भी स्टफिंग है और उसके ऊपर चीज। बटर तेल कम यूज किया है, लेकिन चीज तो भाई यहाँ के लोगों का फेवरेट है। चलिए ट्राई करते हैं दही के साथ। सूरत के लोग ऐसे ही पनीर और चीज के पीछे पागल नहीं है, क्योंकि जो जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे ट्राई किया है ना, वो काफी बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। ऐसा है नहीं कि किसी भी चीज के ऊपर चीज डाल दिया, किसी भी चीज पे पनीर डाल दिया, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से ये काफी बढ़िया लग रहा है। 300 रुपये प्राइस वर्थ है, क्योंकि ये पूरा है ना, शायद मेरे ख्याल से एक बंदा नहीं खा पाएगा, इसलिए शायद एक के साथ अगर किसी को थोड़ी बहुत भूख हो तो उसकी भूख भी मिट जाएगी, तो डेढ़ लोगों का पराठा मान के चलिए 300 रुपये में वर्थ है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे पसंद आई, वो नीचे बैठ के लोग खाते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति जैसे है भाई, देखो नीचे बैठ के खाना, नीचे बैठ के पढ़ना। आप देख सकते हैं पीछे है मेरे, उस तरफ भी है, हर तरफ लोग पीछे ही बैठे हैं, और अगर किसी को नीचे बैठने में तकलीफ हो तो उनके लिए टेबल वगैरह भी रखा हुआ है। तो मेरे लिए तो अगर आप सूरत आते हो तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। और एक बात, जो हमने यहाँ पे राजा रानी पराठा ट्राई किया है, दूसरी जगह पे भी मिल रहा है, लेकिन इसके जैसा स्वाद नहीं है। तो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो ओरिजिनल है और यहाँ का टेस्ट सबसे बेस्ट। आपका अपना जो भी ओपिनियन हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। हमारी तरफ से अगर आपको राजा रानी पराठा ट्राई करना है तो साई सुजल पराठा पे ट्राई कीजिएगा। टाइमिंग मेरा तो अभी शाम को 5 से रात को 12, शाम को 5 से रात को 12 डेली चालू रहता है। डेली कभी नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है, थकान होती है या बच्चे लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं, वो हार्डली महीने में, महीने में एक या दो बार उनको भी मैं आराम देती हूँ। ओके, एड्रेस बता दीजिए एक बार। एड्रेस यहाँ पे डुमस रोड बिग बाजार के पास, लेंस आर्मी स्कूल के सामने, साई सुजल पराठा। साई सुजल पराठा। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो काफी बढ़िया लगा होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लकीली आज हम यहाँ पे आ गए, वरना बहुत सारी जगह हमने घूमी, लेकिन ऐसी जगह हमने अभी तक नहीं देखी जहाँ पे इतना बढ़िया सा पराठा, वो भी 300 रुपए में करीबन डेढ़ दो लोग खा सके इतना सारा। आई होप आपको हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। मिलते अगले वीडियो में किसी नई जगह, किसी नए शहर में, किसी नए स्ट्रीट फूड वेंडर की स्टोरी के साथ, या तो काठियावाड़ी दाल के साथ, या तो अतरंगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।